ऑफर शब्द एक गलत शब्द हुआ। ये पिक्चर मुझे ऑफर नहीं हुई, इस पिक्चर के लिए मैं लड़ा हूँ, इस पिक्चर के लिए मैंने खून पसीने बहाए हैं। तो ये ऑफर नहीं हुई थी मुझे, मैंने ऑडिशन दी थी 2 महीने की, करीब 50 ऑडिशंस दी थी, जो मुश्किल थी क्योंकि ऑडिशंस का जो ये प्रोसेस था, ये मुझे अतुल मुंगे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत खूब कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टिंग वर्कशॉप्स लेते हैं सारे बॉलीवुड एक्टर्स की, लिटरली उनने वर्कशॉप्स ली होंगी और कास्टिंग की होगी। लुटेरा, आशिकी, ऐसी सब बहुत पिक्चरें हैं, आशिकी नहीं सॉरी लुटेरा है और दिवाकर बैनर्जी की पिक्चरें हैं, बहुत सारी फिल्मों की वो कास्टिंग करते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं। तो ये वर्कशॉप्स ले रहे थे और ये जो ऑडिशंस थे, जो वर्कशॉप्स थे, ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज तितली समझने के लिए मुझे ये सब चीज़ें समझनी पड़ी कि पिटके, चप्पलों से पिटके क्या। मैं बचपन से नहीं पिटा यार, मैं 2 थप्पड़ खाए होंगे अपने पिता से, और वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लिखा होगा या कुछ अच्छा नहीं किया, तो पिता ने आगे थप्पड़ मार दिया। पर हाँ, इसलिए नहीं पिटा हूँ क्योंकि घर में माहौल इतना ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है कि तुम पिट रहे हो माँ से, भाइयों से, जिससे भी। तो मैं ऐसा कभी नहीं पिटा हूँ, और मेरे को नहीं पता कि यार कैसा होता है लाठी खाना, चप्पल खाना, सड़क पर फेंका जाना, कैसा कैसा लगता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए मैंने चप्पलें खाई ऑडिशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग, ये चीज़ें समझने के लिए मैं वर्सोवा चौपाटी पे गया, अपनी पैंट उतार के मैं उधर हाफ नेकेड खड़ा हुआ और बाथरूम जाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम जाओ चौपाटी पे और महसूस करके आओ, तुम तो एक दिन कर रहे हो, महसूस करके आओ कि जो चौपाटी पे हर रोज़ बाथरूम जाते हैं सुबह सुबह, उनका दिन कैसे शुरू होता है, उनके दिन में क्या बीतती है। और तुम ये शायद अभी 1 घंटा जाके एम्बैरेस्ड फील करोगे, ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, पर वो जो एम्बैरेसमेंट है, वो ह्यूमिलिएशन है, वो याद रखो, क्योंकि उसके बिना ये किरदार नहीं निभा सकते तुम।